सर्जिकल स्ट्राइक, फिर स्पेस स्ट्राइक और अब विपक्ष का हमला। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने मेरठ से आज बाकायदा चुनाव प्रचार का शंखनाद किया है। केंद्र सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए पीएम मोदी विपक्ष पर जिस तरह हमलावर हुए हैं, उससे साफ लगता है आने वाले समय में विपक्ष पर उनके हमले और तीखे होने वाले हैं। आप भी देखिए पीएम मोदी का अंदाज़े बयां। जो काम किया है अपना हिसाब दूंगा, साथ साथ दूसरों का हिसाब भी लूंगा। ये दोनों काम साथ साथ चलने वाले हैं और तभी तो होगा हिसाब बराबर। और आप तो जानते हैं मैं चौकीदार हूँ और चौकीदार कभी नाइंसाफी नहीं करता। पीएम मोदी ने यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्याय योजना पर भी तीखा तंज कसा। तो सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर स्पेस स्ट्राइक को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। इधर पीएम मोदी के हमले का जवाब देने कांग्रेस भी तैयार ही बैठी थी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, आज हमने मेरठ के किसानों की ऐतिहासिक धरती पर ढोंग ड्रामा और नौटंकी देखी है। आज आपने तालियां बजा बजा कर न्याय योजना का देश के गरीबों का, देश के 20% परिवारों का, 25 करोड़ लोगों का मजाक क्यों उड़ाया? अगर कांग्रेस पार्टी 72,000 रुपया हर गृहिणी के खाते में डालना चाहती है सबसे गरीब 20% परिवारों के, तो आप मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? कुल जमा लोकसभा चुनाव का असल घमासान पीएम मोदी के शंखनाद के साथ शुरू हो गया है। पहले गठबंधन ने ताकत दिखाई, फिर कांग्रेस प्रियंका को लेकर आई, बारी बीजेपी की थी, सो पीएम मोदी ने मेरठ से पुरआवाज बुलंद ऐलाने जंग कर दिया है। बीजेपी का एक्शन मोड और विरोधियों के हमले ये बताने के लिए काफी है। असल मुद्दों से इतर इस दफा जुबानी जंग ही चुनावी घमासान का प्रमुख हथियार होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मन की बात सर्जिकल स्ट्राइक या फिर स्पेस स्ट्राइक, इन तमाम विषयों का गुलदस्ता बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से चुनाव प्रचार का शंखनाद कर दिया। मोदी के हमलावर बोल सुनने के बाद कांग्रेस भी मुखर हो गई है, बाकी के सियासी दलों ने भी बयानबाजियां शुरू कर दी। सवाल यही है, क्या लोकसभा 2019 का ये चुनाव सिर्फ और सिर्फ एक दूसरों की खामियां गिनाने में बीत जाएगा या कुछ खूबियां भी बताई जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी बात या वादा भी किया जाएगा जो आम आदमी के हिस्से जुड़ा हो? जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष मोदी का चुनावी शंखनाद। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता मोहम्मद सरवर, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन जोशी, साथ ही हमारे साथ राजू मालवी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यश भारती हैं हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजू मालवी, आपसे ही शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि वो 5 साल का हिसाब भी देंगे और साल साल का हिसाब लेंगे भी। जैसे उन्होंने कहा, कांग्रेस ने पलटवार भी शुरू किया। आप क्या चुनाव सर्जिकल स्ट्राइक और बस इसी के इर्द गिर्द होने वाला है, या कुछ उपलब्धियां भी और जो देश को एक गति देगी वहां भी ले जा रहा है? रिजवान भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कहा कि मैं 5 साल का हिसाब दूंगा और 60 साल का हिसाब लूंगा भी। मुझे लगता है इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए और पूरे देश ने इस बात का स्वागत भी किया है। हम 5 साल का हिसाब देने को तैयार हैं, जो 60 साल तक रहे वे अपना हिसाब भी तैयार रखें। रही बात आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य विषय, तो 5 साल में हमारी उपलब्धियों की भी चर्चा करेंगे, हमसे जो कमी रह गई उसकी भी चर्चा करेंगे। हिसाब तो तभी होता है, और
हर उस विषय पर बात होगी, चाहे सबका साथ सबके विकास की बात हो, चाहे विश्व स्तर पर भारत की बढ़ती हुई मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात हो, और उसमें अगर उरी आएगी तो सर्जिकल स्ट्राइक भी आएगी, पुलवामा आएगा तो एयर स्ट्राइक भी आएगी, और कल मिशन शक्ति के रूप में भारत विश्व की चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन महाशक्ति बना है, निश्चित रूप से ये भारत के लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। आखिर क्यों 60 साल हम नहीं कर पाए, वैज्ञानिकों को क्यों हमने दबा के रखा, क्यों उन्हें फ्री हैंड नहीं छोड़ा, क्यों उनके साथ हम खड़े नहीं हुए, क्यों इस देश को हम महाशक्ति के रूप में नहीं देखना चाहते थे, ये सारे अनेकों प्रश्न आज भारत के मन में हैं। बिल्कुल। और उसका जवाब देश चाहता है जी। हम भी देंगे और आपको भी देना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहेंगे मोहम्मद सरवर, क्यों नहीं महाशक्ति बनने दिया आपने, 60 साल तक क्यों रोके रखा? 60 साल में ही इस देश में तरक्की हुई है, ये 2014 से जो मोदी जी आ गए इन्होंने तरक्की देश में नहीं करी है, जो तरक्की और जो विकास हुआ है वो 60 साल में ही हुआ है। और अगर लोगों को पुलवामा याद है या उरी याद है तो लोगों को 71 की लड़ाई भी याद होना चाहिए कि इंदिरा गांधी ने देश में बांग्लादेश और पाकिस्तान बनवा दिया, इतना बड़ा युद्ध लड़ा। आप भी याद दिला रहे हैं, आप भी इस चर्चा को उसी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल विकास पर है। बिल्कुल। आप और राजो मालवी दोनों उसी दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल। और मैं आपसे मैं ये अभी ये कह रही हैं कि जो कल जो एक ऐतिहासिक घटना हुई है ये मोदी ने दिया है, आपने क्यों नहीं किया, ये आप महाशक्ति क्यों नहीं बने? ये ऐतिहासिक घटना जो है उसका ढिंढोरा लोकसभा चुनाव में पीटने की आवश्यकता नहीं थी। ये तो 2012 में ही हमारी सरकार ने करिश्मा कर दिखाया था। और जहाँ तक सुन लीजिए, और ये ढिंढोरा लोकसभा चुनाव में पीटना, राष्ट्र के नाम संबोधन करना, राष्ट्र के नाम संबोधन उस वैज्ञानिक को करना था जिसने इस देश को सफलता दिलाई। हम उसको वैज्ञानिक को बधाई देते हैं जिसने ये काम किया है, लेकिन हमारे सरकार ने ये काम नहीं किया कि हम उपलब्धि के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन करें। चूंकि चुनाव आ गया तो हम इसको चुनावी मान के चलना, ये भाषणों को ये चुनावी भाषण देखे एक और ये बात करने का प्रयास है कि देश ने तरक्की, अरे इस देश ने तो इतनी तरक्की कर ली कि दुनिया की चौथी महाशक्ति बनी गया है। हमने तो हर क्षेत्र में विकास किया है, 60 साल के अंदर हमने जो विकास किया है वही तो दिखाई दे रहा है, उसी पर तो आज बात की जा रही है। 4 साल में कोई दुनिया की ताकत विकास नहीं कर सकती, एक लंबा समय लगता है विकास करने के लिए, और वो विकास कांग्रेस ने किया है। क्या कहेंगे यश, उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री के साथ, महाशक्ति बन गया देश में, दुनिया में आर्थिक शक्ति भी बन गया देश, क्या कहेंगे आप? राजीव मालवी कह रहे हैं सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है, पीछे की सरकारों में कोई इच्छा शक्ति नहीं। जी बिल्कुल ठीक बात है ये कि सब कुछ नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के ही शासनकाल में उनके एक सांसद हैं साक्षी महाराज, जो कहते हैं कि इस चुनाव के बाद अब चुनाव नहीं होगा, तो ये उपलब्धि भी इन्हीं के पास जुड़ने जा रही है कि लोकतंत्र खत्म होने वाला है। विकास की तरफ ही लौट आते हैं। मैं विकास की ये विकास की श्रेणी है, भाजपा जो बोलती है वो विकास है, विपक्ष जो बोलता है वो सर्वनाश है। जो होना है, जनता ने चुना है इनको, 100% वोटर में से अगर 31% जनता ने इनको चुना है तो 31% को ये हिसाब देंगे, और वो हिसाब की बात हो रही है कि साक्षी महाराज जी ने अगर कहा है तो मुझे भाजपा का कोई नेता कहता हुआ नहीं दिखा कि नहीं साक्षी महाराज जी गलत कहते हैं, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखाई दी। तो मुझे सहमति ही रखनी पड़ेगी कि साक्षी महाराज जी जो कहते हैं वो मोदी शासनकाल का विकास है कि अब चुनाव नहीं होंगे, ये अंतिम चुनाव है, जनता अपना लोकतंत्र आगे बढ़िए आपके पास। दूसरी सबसे बड़ी बात है विकास किया है, नोटबंदी एक बहुत बड़ा विकास था जिससे काला धन खत्म होने वाला था, फर्जी नोट खत्म होने वाले थे। इस पर मैं लौटूं, इस पर मैं आपके पास आऊंगा, आपको मौका भी दूंगा कहने का, लेकिन कल जो परीक्षण हुआ है उसको राजो मालवी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर बता रहे हैं और कह रही हैं पीछे जो है नहीं हुआ, मोदी के शासनकाल में हुआ है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए जो भी उपलब्धियां हैं जी, पिछली सरकारों की अगर मैं बात करूं 2014 से पहले जी, तो भाजपा के ही नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि अगर हम कांग्रेस शासनकाल को कोसते हैं तो पूरी देश की जनता का वो अपमान होगा। तो मुझे नहीं मालूम अटल जी सच बोलते थे या झूठ बोलते थे, ये भाजपा बेहतर बता पाएगी कि पिछले शासनकालों को अगर हम कोसते हैं तो किसका सम्मान बढ़ाते हैं, देश की जनता का या देश की जनता का अपमान करते हैं।
ये इन्हीं को जवाब देना पड़ेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी क्यों झूठ बोलते थे सदन के अंदर, क्योंकि आज जो मोदी जी बोलते हैं वो सच बोलते हैं, आज जो भाजपा के लोग जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। मैं इनकी हर बात को सच मानने को तैयार हूं, मैं बिल्कुल इनकी बातों को झूठ बोलने को तैयार नहीं हूं, बस प्रमाण देना ये शुरू कर दें। मैं उसी बात पे बात कर रहा हूं, अगर विकास किया है, मोदी जी मंच पे कह रहे हैं हम विकास किया, हम अपना विकास गिनाएंगे, नोटबंदी से जो उपलब्धियां हैं वो गिनाए, क्यों नोटबंदी की बात करना बंद कर दिया मंचों से, कौन सा आतंकवाद खत्म हो गया नोटबंदी से, नोटबंदियों का उपलब्धि बताएं, क्यों बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी सड़क पर उतरे हुए हैं, अगर नोटबंदी उपलब्धि थी तो बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारियों को बिल्कुल सड़क पर उतरने की आवश्यकता नहीं थी, बैंकिंग की तो बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी। बीएसएनएल के कर्मचारी क्यों रो रहे हैं आज सड़क पे, अगर मोबाइल सेक्टर ने तरक्की करी है तो सरकारी तंत्र को भी मजबूत होना चाहिए था, लोगों की बल्ले बल्ले होनी चाहिए थी। केवल एक सेक्टर का फायदा हुआ है, वो है अडानी और अंबानी, देश में पूंजीवाद को बढ़ाने का विकास हुआ है, और वो पूंजीपति किनकी जेब में है ये सबने देखा है, और उनका कौन इस्तेमाल करता है। जेट एयरवेज जहां मोदी जी कहते थे कि मैं चाहता हूं कि देश की हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में जाएगा, तो जेट एयरवेज की हालात के बारे में भी बता दें कि जेट एयरवेज के हालात के लिए क्या करने वाले हैं, क्या किंगफिशर एयरलाइंस जैसा ही जेट एयरवेज का भी हाल होने वाला है, क्या एक और माल्या पैदा होने वाले हैं देश के अंदर, कि उनका ऋण तो माफ कर दिया जाए लेकिन जो छोटा बेचारा नोटबंदी में बर्बाद हो गया उसको दिवालिया घोषित करके उसके आप वसूली करने जा रहे हैं, कितने लोगों ने आत्महत्या कर दी, व्यापार की क्या स्थिति, उन व्यापारियों को पूछने तक नहीं गई भाजपा और भाजपा की सरकारें, बैंकिंग सेक्टर में कितने लोगों की हत्या हो गई, कितने लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए, कितने लोगों को हार्ट अटैक आया, कितने परिवार उजड़ गए। भाजपा इनका हिसाब लेने नहीं जाएगी, भाजपा हर चीज को उपलब्धि के रूप में लेना चाहती है, और मैं भी उनका साथ देना चाहता हूं, आप सच बोल रहे हैं लेकिन सच के प्रमाण भी तो दीजिए, आप मान रहे हैं ये सच बोल रहे हैं, बस आपको प्रमाण चाहिए। चलिए डॉक्टर नवीन जोशी, कैसे देखते हैं आप, उपलब्धियों का जिक्र तो होता है लेकिन उपलब्धियां बताई नहीं जाती हैं, सवाल खड़े होते हैं पीछे पीछे की चीज़ों पर लेकिन उनका भी बहुत विस्तार से जिक्र नहीं होता, पीछे जो कुछ भी हुआ है वो सब खारिज है, आगे जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ वर्तमान की देन है, ये सोच ये समझ देश को कहां ले जाने वाली है। देखिए रिजवान भाई, चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि 2014 के पहले ये भारत देश था भी कि नहीं, अभी तो इस पर चर्चा हो जाएगी, क्योंकि 2014 के पहले भी देश था। विकास जो है, तरक्की जो है, वो एक पैमाना होती है प्रगति का, और उसके साथ साथ बढ़ती है, जैसे बच्चे के पैदा होने से लेकर के उसके युवा होने तक वो विकास का जो पथ पे आगे बढ़ता है, यही इस देश के साथ भी हुआ है। यदि 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें रही या गैर कांग्रेसी सरकारें रही तो उन्होंने इतना किया था कि आज लोकतंत्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, उन्होंने लोकतंत्र को जिंदा रखा था। अब बात करें हम उपलब्धियों की, तो उपलब्धियां गिनाने की बजाय मोदी जी ने जो अपना शंखनाद किया है वो चुनौती के नाम से किया है, वो चैलेंज कर रहे हैं पिछली बातों को। आपको आगे देखना चाहिए, बहुत पुराना एक गीत है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। तो जब जिस देश में आईटी टेक्नोलॉजी, जब आप स्पेस में नंबर पा रहे हैं, जब हम देश में तरक्की की बातें कर रहे हैं, तो हम फिर वही 2014 के पहले की चीज़ें क्यों निकालना चाहते हैं? क्या कारण है कि हम 2014 के पीछे देखना चाहते हैं और अपनी उपलब्धियों को गौण रखा है? आपको पहले अपना पॉजिटिव सामने लाना चाहिए, क्योंकि देश की जनता जो वोटर है वो 2014 के बाद से 2019 के इलेक्शन में आपको देख रहा है, न कि वो फिर वही गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली जो बातें आती हैं। इस समय देश को आपने क्या दिया है वो बताइए, क्योंकि देश रोजगार की तलाश में है, देश को विकास चाहिए, और विकास के मुद्दे एक तरफ हैं, जो सैनिकों को करना चाहिए, जो सेना का शौर्य है, या जो वैज्ञानिकों का पराक्रम है, या जो वैज्ञानिकों की उपलब्धियां हैं, उसको सरकार को अपने खाते में जोड़ने का किसी भी सरकार को अधिकार नहीं है, क्योंकि ये वो उनकी अपनी निजी और अपनी वो मेहनत होती है जिसको केवल अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा होता कि कल जिन वैज्ञानिकों की वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं उनके माध्यम से देश को संबोधित किया जाता। मोदी जी ने यदि इसको चुनावी माइलेज के लिए इस्तेमाल किया है तो ये बेहद और बेहद आपत्तिजनक है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति का निर्माण नहीं करता है, व्यक्ति की भावनाओं को या उसकी प्रतिभा के निर्माण में उनका योगदान नहीं होता, उनका योगदान होता है केवल शासन के सुविधाओं को जुटाने के लिए, जो वो यदि कर रहे हैं तो वो बहुत बेहतर है, अन्यथा इसको राजनीतिक रूप से या राजनीतिक माइलेज लेने के लिए किया जाना बिल्कुल उचित नहीं मानते। आरसी भट्ट भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। आरसी भट्ट, शंखनाद कर दिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पूरी दुनिया की निगाह है उत्तर प्रदेश पर, इसलिए कि उत्तर प्रदेश के रास्ते से ही
देश में प्रधानमंत्री बनता है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही रहा है। 73 सीटें जिताई हैं उत्तर प्रदेश की जनता ने और मोदी वहाँ से सांसद भी हैं, वाराणसी से केवटो बनाना चाहते हैं वो उसे। अब उन्होंने शंखनाद कर दिया है, ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा है कि 60 साल पीछे छोड़ेंगे नहीं आपको, हम अपने उपलब्धियाँ बताएंगे तो आपसे हिसाब भी मांगेंगे। तो अब क्या लगता है आपको किस दिशा में जाने वाला है ये चुनाव? देखिए, उत्तर प्रदेश का में जो लोकसभा की सीटें हैं 80 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े जा रहे हैं, इस तरह भारतीय जनता पार्टी और सामने गठबंधन और कांग्रेस अलग तरह से लड़ रही है, अलग तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण है, वेस्ट यूपी में फर्स्ट फेज की पोलिंग है, 8 सीटें हैं, मेरठ से आज उन्होंने शंखनाद किया है और जिस तरह से उन्होंने वहाँ मेरठ में जाकर वहाँ क्षेत्रीय बातों की बात कही, चरण सिंह की बात कही, उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति कही, एक उन्होंने नया नारा दिया यानी कि 100 से सपा, रौ से रालोद और बौ से बसपा, यानी शराब शराब उन्होंने कहा कि ये शराब जो है मिलावटी है, और 1857 की भी बात कही उन्होंने, और उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस और गठबंधन दोनों पार्टियों पर करारा निशाना साधा है। और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज देखें तो अपने भाषणों के साथ पूरी तरह से उनकी उनके हाथ, उनके पैर, उनके पूरी शरीर उनकी मतलब बिल्कुल मूवमेंट में थी और वो बिल्कुल अपने रिएक्शन से वो जनता को बताना चाहते थे कि इन लोगों ने क्या किया और मतलब आप भाव भंगिमा की का जिक्र कर रहे हैं, आप उनके भाव भंगिमा का जिक्र कर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर अक्सर दिखता है, वो जितने शानदार अंदाज से बोलते हैं उतने ही ज़बरदस्त ढंग से वो इशारा करते हैं। तो वो जब कह रहे थे, मैंने भी देखा जब वो कह रहे थे कि अपने 5 साल के भी बारे में बताऊंगा, हिसाब दूंगा, लेकिन 60 साल भी करूंगा, ऐसा ऐसा कुछ इशारा वो कर रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है उनका, इसमें तो उनका कोई सानी नहीं है, पूरी दुनिया में वो जो उनका अंदाज है उसका कोई वो नहीं है और यही मंच लूट लेने की उनकी कला है। तो आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ने वाला है इन सब चीजों का? देखिए, 2014 का फ्लो नहीं दिख रहा है और गठबंधन सामने खड़ा है, सपा बसपा का एक मजबूत गठबंधन है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं वो जातिगत समीकरण पर होते हैं और जिस तरह से 2014 में यूपीए सरकार से सब लोग आजीज थे, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी वो परेशान थे, तो उनके उनको विकल्प के रूप में नरेंद्र मोदी दिखे थे, भारतीय जनता पार्टी दिखी थी और वो पूरी तरह से स्वीप किया, यानी कि जो भी कम्युनिटी का वोट था, बात कुर्मी समाज की करें, दलित समाज की करें, अपर कास्ट की करें, वो सभी जो है यादव तक जो आप कुछ इस तरह से कह रहे हैं कि जाति जाति, लेकिन अब स्थितियां भिन्न है। एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने जिस तरह से हमला किया है, लेकिन वो जो 5 वर्षों तक उन्होंने जो काम किया है उसके बारे में कोई डिटेल बता नहीं पाए, सिवा अगर प्रश्न पूछा जाए तो बुलेट ट्रेन की बात कहाँ है, 15 लाख खातों में कहाँ है, उसके बाद 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहाँ है, मेट्रो सिटी और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की कहाँ बात है, स्मार्ट सिटी की बात करें। चलिए, आरसी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आरसी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं लौटता हूँ कांग्रेस की प्रवक्ता से ही पूछता हूँ, माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से ही पूछता हूँ कि उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला कब शुरू होगा, हिसाब पूछ तो हम रहे हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब अपनी बात कर रही थी तो मैंने ये कहा था कि हम 5 साल का हिसाब देंगे और 60 साल का हिसाब लेंगे, इसका मतलब मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये आपने अपनी तरफ से जोड़ा है रिजवान भाई, तो कम से कम मेरे मुंह में वो बात मत डालिए जो आप कहना कहलवाना चाहते हैं। नंबर 1 है ना, आपने ये कहा था, अभी आप रिपीट उठा के देख करवा के देख लीजिए कि कांग्रेस सरवर भाई को आपने ये कहा था कि राजू मालवीय जी कह रही हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो पहली बात जो जो व्यक्ति कहे अगर उसी को कहेंगे तो मुझे लगता ज्यादा आनंद आएगा। दूसरी बात यह है कि उपलब्धियों की चर्चा निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात का आगाज किया है, आपको आने वाले हर बात में उपलब्धियों की चर्चा दिखेगी
और जो 5 साल में हमने किया है हर उस बात को लेकर हम समाज के सामने जाने वाले हैं बहुत स्पष्ट रूप से, अगर देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो आपको वो चीज नजर भी आएगी। लेकिन अभी सरवर भाई ने कहा कि 71 के युद्ध को याद करना चाहिए। बिल्कुल सरवर भाई, 71 के युद्ध को मैं सैल्यूट करती हूँ, लेकिन पूछना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि आप पिछले में मत जाओ। क्यों पिछले में मत जाओ भाई? पिछली बात कैसे भूल जाए, अपने पूर्वजों को कैसे भूल जाए? और जो अपने पूर्वजों को भूल के जो पिछली अगर अच्छाइयों को याद नहीं करता और गलतियों से सबक नहीं लेता, वो इंसान या वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए याद तो करना पड़ेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ सरवर भाई, मेरी रेडक्लिफ लाइन कहाँ है, मेरी मैकमोहन लाइन कहाँ है? हजारों किलोमीटर कैसे आपने पाकिस्तान और चाइना को घुस जाने दिया? 62 का युद्ध हो रहा था, आप कबूतर उड़ा रहे थे, आपका रक्षा मंत्री अय्याशी कर रहा था, व्हाट इज दिस? ये भी उपलब्धियों में जोड़ लीजिए जरा। शिमला का समझौता भी जोड़ लीजिए, ताशकंद का समझौता भी जोड़ लीजिए। ये सारी चीजें भी उन चीजों के साथ आएंगी जो कहीं अच्छाई हुई थी। और रही बात कल की उपलब्धि, राजो जी ये सारी चीजें भी कि ये सारी चीजें ही, सारी चीजें भी, तो सारी चीजें भी कहा है मैंने, ही नहीं तो कहा। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसीलिए की बात का उत्तर देना चाहती हूँ। इसीलिए मैं उनको मैंने पीछे जाने से रोक दिया था। आप वर्तमान बता दीजिए, बहुत बहुत ढेर सारी चीजें बताने को आपके पास। नहीं, मैं वर्तमान में बताइए बहुत पीछे चली गई। मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे बात निकली है तो बात का उत्तर मैंने रोका था, 71 की बात पे भी रोका था। आप वर्तमान पे बता दीजिए, आज सवाल वर्तमान पर है, शंखनाद है, प्रधानमंत्री ने वादा किया। विषय पर जब आप चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि वैज्ञानिकों की बात करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने DRDO के वैज्ञानिकों को ही बधाई दी थी, देशवासियों को ही बधाई दी थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कुछ किया है। लेकिन आज मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है, कांग्रेस की निर्लज्जता पर कहना पड़ रहा है कि DRDO के वैज्ञानिकों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उनको भी आरोपित कर दिया। आप 12 और 13 में अगर उन्होंने कोई सच्चाई बता दी कि हम गए थे कहने, इन्होंने स्वीकार नहीं किया उस बात को, और आज जब हमारी बात स्वीकार की, इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देती है, विभाग अध्यक्ष होने के नाते भी बधाई दी लोगों ने और वैज्ञानिकों ने भी बधाई दी। उस सच को क्यों नहीं स्वीकार करना चाहिए? कल आपको किसने रोका था, क्यों नहीं किया? 26/11 हमने देखा था, मोमबत्ती जलाने के अलावा कोई काम हुआ था क्या? नहीं। लेकिन अगर सेना की ताकत, सेना के सामर्थ्य के पीछे जी, इसके अलावा और कोई बात नहीं बताएंगी राजो जी, इसके अलावा और कोई बात नहीं बताएंगी। बहुत ढेर सारे चीजों का उल्लेख डॉक्टर नवीन जोशी ने भी किया, यश भारती ने भी किया था बहुत सी बातों का उल्लेख, उस पर कुछ कहेंगी। इसलिए कि इस पैनल में सारे लोगों से का सवाल आपसे ही हो रहा है, वक्त की कमी भी है। अब आपने रक्षा से अगर बाहर निकले हम थोड़ा सा, तो आए देश बहुत बड़ी आबादी, रक्षा से भी बाहर निकलिए ना। पैसठ साल से जो चीजें अगर लंबित पड़ी थी तो उनको पूरा किसने किया ना? मतलब आप इसी पे रहना चाहती हैं? आगे बढ़ जाओ, सरकार ने पूरा किया ना, आगे बढ़ जाओ। आगे की क्यों बात है? आप सरदार सरोवर बांध का भूमि पूजन करके छोड़ आए थे, राशि जुटाना, उसे आगे बढ़ाना, उसे बनाना और लोकार्पित करना किसने किया? वन रैंक वन पेंशन किसने छोड़ा था? समर के लिए स्मारक किसने छोड़ा था? वहां से लेकर के आप गिनती चले जाइए, 18, 19, 20, 21, 22 तक मैं आपको गिना सकती हूँ। कुछ सवाल नोटबंदी पर हुए थे, कुछ सवाल नोटबंदी पर भी हुए थे, बिल्कुल उस पर भी कुछ कह दें। बिल्कुल, नोटबंदी का फैसला हमने लिया था और साहस के साथ लिया था, कहा था आतंकवाद खत्म करने के लिए, काला धन खत्म करने के लिए, उसकी उपलब्धि नहीं बताई। बहुत फर्क पड़ा है नोटबंदी से जी, किसी आप पत्थरबाजियां बंद हो जाएंगी। तकलीफ हुई नहीं हुई? तकलीफ उसको हुई थी जो नोटों के बिस्तर पे सो रहा था, वो नोट एक रात में काले कागज हो गए, तो उसको तो तकलीफ होगी रिजवान भाई, और उसकी तकलीफ तो बयां होगी। बिल्कुल, जो कतार में लगकर जान गंवा बैठा उसको भी तकलीफ होगी, उसके घर वालों को तो बहुत ही हो रही होगी, और जिसके रोजगार समाप्त हो गए उसको भी बहुत, जान गंवाई थी उसके प्रति भी हमारी सिंपैथी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन केवल नोटबंदी की कतार में लगकर जान गई, ऐसा नहीं होता। कतार में तो बहुत सारी जगह लग के जान जाती है, लेकिन हर जान का मोल है जी। ऐसे लोगों को कोई सहानुभूति राशि वगैरह दी हो एक हाथ, तो वो भी मैं समझ लूँ, अगली बार आखिरी आखिरी में पूछूंगा आपसे। बिल्कुल मोहम्मद सरवर, जल्दी से बताइएगा, वक्त मेरे पास कम है। राजू जी ने बहुत ढेर सारी बातें कह दी और समय पूरा हो गया। सरकार में नीरव मोदी भाग गए, विजय माल्या भाग गए, सब आपके दौर में, इसी सरकार दौर में ही तो सबने आपके दौर में ही तो दिया सबको, उसके बाद आपके दौर में दिया, उसके बाद काला धन वापस आ गया सरकार में जी।
उसके बाद नोटबंदी करी, कितने लोग परेशान हुए, जीएसटी लागू किया, उससे व्यापारी कितने परेशान हुए, ये सब इस सरकार की उपलब्धि है सन 2014 से आज तक की। इसके अलावा इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। हाँ, देश की भावनाओं को भड़काने का काम, सांप्रदायिकता भड़काने का काम ये सरकार बहुत अच्छा कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है, हिंदू मुस्लिम बात करके माहौल को बिगाड़ सकती है, लेकिन ये एकता की बात कभी नहीं करेंगे, ये कभी एकता की बात नहीं करेंगे, ये कभी विकास की बात नहीं करेंगे। जब चुनाव आ जाएगा तो देश की एकता के नाम पर जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार 2019 में देश की जनता गुमराह नहीं होगी। और 23 तारीख को आगामी जो 23 तारीख आने वाले जो है वो रिजल्ट पाकिस्तान से गलवैया कौन कर रहा जाएगा। नहीं, तो पाकिस्तान को बधाई भी दे रहे थे, अभी पाकिस्तान डे पे बधाई दे रहे थे। तो मतलब कहने कुछ है, करना कुछ है। चलिए मोहम्मद सरवर, मैं आपको रोकता हूँ। यश भारती, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आदरणीय राजू मालवीय से चाहूंगा कि मेरी बात पूरी आ जाने दें, फिर विस्तार में जवाब दे दीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बचा नहीं है ना, आप विस्तार में मैं उनसे जवाब लूंगा कैसे? जी बताइए, आपसे अनुरोध कर लूंगा। जी बोलिए बोलिए। देखिए, जहां बात हो रही है एयर स्ट्राइक की और जहां बात हो रही है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, पाकिस्तान के साथ गलवैया करने की, तो गलवैया कौन बिना बताए कर रहा था ये देश की जनता जानती है, स्वयं भाजपा के लोग जानते हैं। कौन माँ के लिए तोहफे ला रहा था, किसको माँ के लिए तोहफे मिल रहे थे, वो गलवैया नहीं थी तो क्या था? पाकिस्तान के साथ लव लेटर लिखती थी पिछली सरकारें, मुझे मालूम है ये बात, और नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत अच्छे से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बताया, एक्टिंग कर करके बताया कैसे रो रो करके लव लेटर लिखे जाते थे। और वहीं इस्लामाबाद से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी ट्वीट करके धन्यवाद दे रहा है कि आपने हमें धन्यवाद दिया, उसके लिए धन्यवाद। ये लव लेटर कौन लिख रहा है, ये देश की जनता को छुपे छुपे बता रहे हैं, ये बात भी सामने आनी चाहिए। दूसरी बात, सरदार सरोवर डैम की बात हो रही थी, उपलब्धियां गिना रही है भाजपा, बहुत अच्छी बात है आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन उपलब्धि ये भी बताइए कि उससे मध्य प्रदेश को क्या फायदा होने जा रहा है और गुजरात को क्या फायदा होने। आपने केवल गुजरात को फायदा पहुंचाने के लिए हजारों करोड़ों आदिवासियों को निस्तनाबूत कर दिया, उनके विस्थापन की क्या व्यवस्था करी है वो बताइए जनता को, केवल उपलब्धियां मत बताइए गुजरातियों के लिए। अगर आप एक देशवासियों को, एक हिस्से को चमन बना रहे हैं तो दूसरे को आप बर्बाद कर रहे हैं, वो उपलब्धियां बताइए। तीसरी बातें आप कर रही थी कि हमने बहुत अच्छे काम किए, मोदी जी बहुत अच्छे काम करने की बात बता रहे थे, शराब पे बात कर रहे थे, तो बताइए कि गांधीनगर में जब आप मुख्यमंत्री थे तो कैसे जहरीली शराब से लोग मरते थे, जबकि शराब टोटली बंद थी वहां पे। बहुत पीछे जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूँ, आप मुख्यमंत्री से सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जहरीली शराब से कौन मर रहा है? देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से है, देश का रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से है, देश का गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से है, योगी जी हैं और एक बैरागी जी हैं। ये योगी जी और बैरागी जी के होते हुए ये जहरीली शराब से कैसे सर्वनाश हो रहा है, गोरखपुर में कैसे बच्चे मर रहे हैं, ये हिसाब दीजिए। प्रेस के सामने आइए, प्रेस के सामने अपनी उपलब्धियां बताइए और 2014 का मैनिफेस्टो जरूर रखिएगा। जब आपने बातें की थी कि 2014 में हम कैसे आएंगे, 2019 में वैसी बातें मत दोहराइए, केवल 2014 की बात कीजिए जिसके लिए 5 साल के लिए आपको चुना गया था। 2019 में दोबारा चुनावी जुमले मत कीजिए जैसा अमित शाह जी कहते हैं, जैसा गडकरी जी कहते हैं। अब रोक लूं आपको यश, इसलिए कि वक्त की कमी है, लेकिन राजू मालवीय को सुनूंगा जरूर मैं, अगर उनके पास समय होगा तो मैं उनको जरूर सुनूंगा, इसलिए कि समय बीत गया है हमारा। आरसी भट्ट, सुना आपने सबकी बातें, क्या कहेंगे, क्या यही सब विषय आने वाले हैं इस बार चुनाव में? और शराब जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी और चौधरी अजीत सिंह की पार्टी, इन सब के जो नाम उन्होंने शराब का जो नाम दिया है राजनीति में, ये जो इस तरह की शब्दावलियों का उपयोग होने लगा है, इसे कैसे, कहाँ कहाँ ले जाएगी ये चीज़? आरसी भट्ट, आवाज़ आई आपको? चलिए आप ही से ये सवाल कर लेता हूँ डॉक्टर नवीन जोशी, आरसी भट्ट से शायद हमारा संपर्क नहीं हो रहा। देश में राजनीति का स्तर तो गिरा ही गिरा, लेकिन राजनेताओं का स्तर और ज्यादा गिर गया है, जो केवल व्यक्तिगत आक्षेपों और टीका टिप्पणियों से चल रहे हैं। मैंने पिछले विधानसभा चुनाव की भी आप बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कोई किसी बिंदु या विकास पर चर्चा नहीं होती थी, जब भी बातें होती थी कि तुम्हारी नानी चोर है, तुम्हारा दादा चोर है। मेरा ये मानना है कि यदि देश में हम राजनीति कर रहे हैं तो विकासात्मक राजनीति क्यों नहीं हो रही, रोजगार पर बात क्यों नहीं करते? अभी बहन राजो मालवी जी जब बोल रही थी तो उन्होंने रोजगार के आंकड़े क्यों नहीं
नहीं प्रस्तुत की है। क्या कारण है कि 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाली सरकार कोई रोजगार नहीं दे पाई? क्या कारण है कि संवैधानिक संस्थाएं जो देश का ढांचा होती हैं वो लगातार कमजोर होती जा रही थी, जिनके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रोड पर आना पड़ जाए? यदि प्रधानमंत्री बेहद अच्छा काम कर रहे हैं तो देश की संवैधानिक संस्थाएं मजबूती से क्यों नहीं खड़ी हैं? 2014 से 2019 के बीच ये जो कमी आई है इस पर भी मंथन होना चाहिए। मेरा किसी पार्टी या राजनीतिक दल के तरफ झुकाव नहीं है, मैं निष्पक्ष तौर पर पूछना चाहता हूं कि देश की जनता क्या दोनों दलों से या दोनों ड्रामेबाजों से मुक्ति पा करके इस देश के विकास की तरफ देख पाएगी? क्या किसी रोजगार का, जो आज बच्चा यहाँ बेरोजगार की स्थिति में अपराध की तरफ जा रहा है, उस पर कोई राजनीतिक दल सोचेगा? क्या केवल हम यही बातें करते रहेंगे कि उन्होंने पुलवामा अटैक पर बोला है, हम 71 के युद्ध पर बोलेंगे? मतलब कुल मिलाकर यह है कि हम प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं, स्वस्थ राजनीति नहीं करना चाहते, ऐसी बातों से तो यही लगता है। जमाली, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, लेकिन उम्मीद ये करूंगा कि जितने तरह के सवाल उठे हैं जवाब उसके इर्द गिर्द ही दीजिएगा, इसलिए कि समय समाप्त हो गया है और मैंने आपको एक अतिरिक्त समय दिया है इसके लिए। मिला है। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, इस देश की विकास में, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, लेकिन ठग बंधन के लोग कैसे इस बात को स्वीकार कर ले, जो लगातार एक दूसरे की शिकायत करते रहे, आज एक दूसरे के साथ खड़े हैं, एक रेस्ट हाउस कांड करता है, आज वो बबुआ हो गया, वो उसकी बुआ हो गई। नवीन जोशी जी ठग बंधन कैसा नहीं है, निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। मैंने नवीन जी को नहीं कहा ठग बंधन, रोजगार के सवाल आपसे पूछे, की बात कर रही हूं, आप आंकड़े बता रहे हैं, 13.5 करोड़ बैंकिंग सेक्टर में दे दिया आपने, रेलवे में दे दिए, बीएसएनएल के कर्मचारी जो रो रहे हैं सर तनख्वाह के लिए उनको दे दिए, रोड बनाने में भी दिया है, वहां से लेकर के हर चीज में दिया है। राजू जी, राजू जी, मैंने एक सवाल पूछा था, राजू जी मैंने एक सवाल पूछा था आपको, राजू जी, राजू जी मैंने एक सवाल पूछा था, बैंक की लाइन में, बैंक की कतार में जो लोग जान गंवा बैठे या जिनके रोजगार ठप हो गए उस दौर के, आपके उस बड़े और बेहद बड़े कदम ने, उस कदम की वजह से जिनके रोजगार ठप हो गए, उनमें से किसी की कुछ मदद वदद की है? ये सवाल मैंने किया था आपसे, एकाध कुछ ऐसा उदाहरण याद पड़ता हो। देखिए, जो आप जो कह रहे हैं कि जो लाइन में लगे थे और उनकी मृत्यु हो गई, निश्चित रूप से उनके प्रति सरकार की सिंपैथी भी थी और सरकार ने उनकी चिंता भी की है। दूसरी बात, आपने कहा रोजगार बंद हो, व्यवसाय बंद हो गए, जो 2 नंबर में काम, गलत काम कर रहे थे, उनके तो बंद होने ही होने थे, कितनी बड़ी मात्रा में कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया। मतलब मैं ये मान लूं, मैं ये मान लूं कि जो कुटीर उद्योग, जो 1 नंबर में काम कर रहे थे उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ये मान लूं, प्रसन्न है जीएसटी से, आज देश प्रसन्न है। राजू जी, मैंने जीएसटी का जिक्र नहीं किया था, मैं ये मान लूं, मैं तो कर रही हूं, आप नहीं कर रहे। मैंने जिक्र नहीं किया था, मैंने तो नोटबंदी तक ही उसको सीमित रखा था, लेकिन जो कुटीर उद्योग करते थे, बहुत छोटे छोटे काम करते थे, घरेलू उद्योग जिनके थे, उनको अगर आप ये मानती हैं कि वो काले धन से काम करते थे, तो ये आपकी मर्जी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। चलिए, आप सबने हमें वक्त दिया, मोहम्मद सरवर आपने मुझे समय दिया, डॉक्टर नवीन जोशी आपने मुझे समय दिया, राजू मालवीय आपने समय दिया, और मेरे साथ यश भारती जुड़े समाजवादी पार्टी से, और साथ ही हमारे पॉलिटिकल एडिटर आरसी भट्ट भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस यही है, चुनावी शंखनाद हो गया है 5 साल, और उसके पहले हमने सियासत में आलोचना आलोचना और आलोचना, क्या पक्ष क्या विपक्ष, सिर्फ आलोचना के इर्द गिर्द ही हम घूमते रहे, अपने किए पर कोई बहुत बातें हम करते नहीं, दूसरे के किए पर बहुत से सवाल उठाते हैं, और यही सिलसिला जारी है, 5 साल इसमें बीत गए हैं। अब देखना है जनता का रुख क्या होता है, या चुनाव इसी तरह से चलेगा या कुछ और तब्दीलियां आएंगी, कुछ और बातें होंगी, लेकिन आपसे हम अपील ज़रूर करेंगे, वोट देने ज़रूर जाइएगा, सोच समझ कर दीजिएगा, ये आपका, आपके देश का और आपके अपनों के भविष्य का सवाल है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।